Klinefelter syndrome. Autosomal या sex chromosomal? Sex chromosomal disorder. नेक्स्ट, ये भी नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही फॉर्म हो रहा है, ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन. दैट इज अनयूप्लॉयडी. ओके, अब ये डायसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी, मोनोसोमी किसका एग्जांपल रहेगा? ये एग्जांपल है ट्राइसोमी का. टू एन प्लस वन. अब भी हमने डाउन सिंड्रोम जो देखा वो भी ट्राइसोमी का ही एग्जाम्पल था, बट वो एटोसोमल था, ये है सेक्स क्रोमोसोमल. अब इस ट्राइसोमी में जनरली होता क्या है, एटोसोम्स आर 44, बट सेक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मली दो होते हैं, ये रहे टोटल 46 नॉर्मल कंडीशन में. बट इन केस ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम 44 + 3, मतलब यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितने बन रहे हैं, 47. कितने बन रहे हैं, 47. बट सेम ही वो और ये डिजीज सेम ही है. डाउन्स ट्राइसोमी का ही एग्जांपल है, 2n+1, 46 के बदले 47 क्रोमोसोम, बट चेंज कहाँ है, खाली 3 क्रोमोसोम यहाँ है, वहाँ जनरली 2 ही थे क्योंकि वो एटोसोमल था, ये सेक्स क्रोमोसोम है. अब इनके जीनोटाइप्स कौन से होने चाहिए, 44 + XXY, करेक्ट, XX. मतलब यहां एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा, ड्यू टू द वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल ओनली, इन मेल. तो ये डिसीज पाया जाता है मेल में, इट इज फाउंड इन मेल, एंड टर्नर सिंड्रोम इन फीमेल. ओके, तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से ये डिसीज क्रिएट हो रहा है मेल की बॉडी में. ओके, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सिम्टम्स, फर्स्ट, इसका फर्स्ट सिम्टम, मेल्स आर टॉलर देन, मतलब क्लिनफेल्टर मेल्स आर टॉलर देन नॉर्मल मेल्स, मतलब इनकी हाइट बहुत ही ज्यादा होती है इस टाइप के मेल. ओके, ये डिसीज क्रिएट करने वाला जो भी मेल होता है, जिसको भी ये डिसीज है, वो बहुत ही टॉलर है एज कंपेरेटिवली नॉर्मल मेल के. मोस्टली दे आर स्टराइल, मोस्टली दे आर स्टराइल. क्यों स्टराइल है, ड्यू टू द लेस डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन, मतलब टेस्टीज लेस डेवलप होने की वजह से ये मेल प्रॉपरली स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ये क्या है, स्टराइल है, करेक्ट. दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉर्मल मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, करेक्ट. दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, नो स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेस जो कि स्पर्म तैयार कर रही है. क्यों, टेस्टिस नॉट वेल डेवलप्ड और लेस वेल डेवलप्ड. सिक्स, नो फेशियल हेयर्स, नो फेशियल हेयर्स. सेवन, लेस हेयर ऑन बॉडी, बॉडी पर भी हेयर्स कम डेवलप, जनरली मेल को ज्यादा होते हैं लेकिन इस टाइप के मेल को लेस हेयर्स है ऑल ओवर बॉडी, लेस हेयर्स ऑन बॉडी.
बॉडी, ओके। नेक्स्ट एट, ब्रेस्ट मोर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जनरली मेल को ब्रेस्ट डेवलपमेंट कम होते हैं, लेकिन इस टाइप के मेल को ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज्यादा दिखाई देती है, मोर ब्रेस्ट डेवलपमेंट एज कंपेयर टू नॉर्मल मेल। कॉल्ड एज गायनेकोमिस्टिया, कॉल्ड एज गायनेकोमिस्टिया। मसल डेवलपमेंट वीक एज कंपेयर टू नॉर्मल मेल, क्योंकि जनरली मेल के मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं फीमेल के कंपेरेटिवली, बट यहां मसल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड देन नॉर्मल मेल। मसल्स आर लेस डेवलप्ड लाइक फीमेल, लाइक फीमेल, ओके। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मेल में पाया जाता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से, अनयूप्लॉयडी की वजह से। एग्जांपल ट्राइसोमी का है 2n+1, कितने क्रोमोसोम्स नॉर्मल होने चाहिए 46, अब हो रहे हैं 47, एक्चुअली 44+XXY, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, नॉर्मली मेल टॉलर होते हैं, स्टराइल होते हैं, लेस डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉर्मल मेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्म नहीं कर रहे हैं, फेशियल हेयर्स जनरली जितने होते हैं मेल नॉर्मल मेल में उतने नहीं हो रहे हैं, लेस हेयर्स ऑन बॉडी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज़्यादा है एंड मसल्स डेवलपमेंट वीक है, ओके। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक।